Dear students in this topic we shall discuss the structure of muscles Each muscle is composed of thousands of muscle cells These muscle cells are called myofibers These myofibers are thin long cylindrical and multinucleated cells these cells in a muscle are arranged in groups or bundles, which are called fascicles. Each muscle cell or myofiber is about five to hundred micrometer in diameter and maybe many centimeters long. मसल सेल्स जो हैं इनके बाहर आम सेल्स की तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन इनकी इस मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं जबकि मसल सेल के, के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं विद इन ईच मसल सेल

मायोफाइब्रेल्स जो हैं इनका डायामीटर एक से लेकर दो माइक्रोमीटर तक होता है और ये पूरे मसल सेल की लेंथ में पाए जाते हैं एक सिरे से शुरू होंगे दूसरे सिरे तक माओ जाते हैं ये स्टूडेंट्स एवरी माओ इज इट्स सेल्फ कंपोज ऑफ मायोफिलामेंट्स हर मायोफाइब्रिल के अंदर मज़ीद छोटे लंबे धागे की तरह के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं दीज मायोफिलामेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स एक थिन फिलामेंट्स हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन जबकि दूसरे थिक फिलामेंट्स हैं विच आर कंपोज ऑफ प्रोटीन मायोसिन डियर स्टूडेंट्स ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट है मायोफाइब्रिल के अंदर इसकी वजह से मसल सेल्स में एक ख़ास किस्म का थिन और थिक बैंड्स का एक पैटर्न प्रोड्यूस होता है जिसमें के लाइट बैंड्स अल्टरनेट करते हैं डार्क कलर के बैंड्स से इसके नतीजे में मसल सेल्स में स्ट्राइब्ड अपीयरेंस यानी स्टेप्स या प्रोड्यूस होती हैं एवरी रिपीटिंग यूनिट ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड इज नोन एज ए सार्कोमियर और ये जो सार्कोमियर है दिस इज एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इन ए मसल डियर स्टूडेंट्स नाउ वी शैल डिस्कस द डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर एक सार्कोमियर में दो तरह के बैंड्स मौजूद हैं डार्क बैंड एंड लाइट बैंड एवरी डार्क बैंड इन दार्कोमियर इज कॉल्ड ए बैंड ये जो ए बैंड है ये एन आइसोट्रोपिक होता है दैट इज इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट इस डार्क बैंड के दरमियान का पोर्शन कंपैरेटिवली लाइटर कलर का है ये जो लाइटर कलर का पोर्शन है या लाइटर स्ट्रिप है इसे एच जोन कहते हैं दिस एच जोन इट सेल्फ हैज ए डार्कर लाइन विच इज कॉल्ड एम लाइन इस तरह से एक डार्क बैंड हुआ उसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन लाइट कलर का है और उस पोर्शन के अंदर एक छोटी सी लाइन डार्क कलर की है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डार्क बैंड तो सार्कोमियर के डार्क बैंड को हमने देख लिया अब हम देखेंगे कि सार्कोमियर में जो लाइट बैंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं दिस बैंड इज आइसोट्रोपिक दैट इज इट इज नॉन पोलराइजिंग इट डज नॉट पोलराइज दी विजिबल लाइट इस लाइट बैंड में सेंटर में देर इज अ मिड लाइन विच इज कॉल्ड जी लाइन एक सार्कोमियर दूसरे सार्कोमियर के साथ अटैच होता है इस तरह से एक सार्कोमियर जो है एक जी लाइन से अगर शुरू हो रहा है तो दूसरी पे एंड हो रहा है ये जो दो जी लाइन ऊपर नीचे आती है जो सक्सेसिव दो जी लाइंस हैं इनके दरमियान के पोर्शन को हम एक सार्को कहते हैं और मुख्तु सार्को एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक लाइन में चलते हैं और लंबा मायो फाइबल बनता है